हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल CSP इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जो कि है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के ऊपर और उसके वेरिएंट के ऊपर। सो थिंक अबाउट हाउ अ मशीन लर्न्स फ्रॉम द डेटा इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग। हम उनको ट्रेन कर रहे हैं तो कैसे काम करती है, सोचो गाइस। दिस इन्वॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हमारे पास में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। इन केस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग दिस विल बी लेबल्ड डेटा। इनपुट डेटा पेयर्ड विद रेस्पेक्ट टू लेबल्ड एंड टारगेटेड वैल्यू। ओके, सो अगर हम सुपरवाइज की बात करें तो ऑब्वियसली लेबल डेटा हो गए हमारे पास में एज ए इनपुट। आफ्टर द लर्निंग मशीन, मतलब लर्निंग के बाद में मशीन जो है वो एबल है कि वो प्रोड्यूस कर सके करेक्ट आउटपुट्स को या फिर सिमिलर इनपुट्स डेटा को जो भी हम उनको फीड किए गए थे बिफोर, जो पहले हमने उनको दिया था ना उसी आधार पे वो हमें दे। सो उसके आधार पे काम करता है, ठीक है। सो डीप लर्निंग इज एबल टू लर्न द कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा व्हेन इनपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट आर फार फ्रॉम ईच अदर, लाइक इमेज डेटा एंड सिक्वेंशियल डेटा that comes from human language and texts. The learning happens during the back propagation while training the neural network based model. There are termed called gradient descent, which is used to optimize the weight and biased जो bias होते हैं ना, biases होते हैं, based on cost function. So cost function evaluates the difference between the actual and predicted outputs. तो असल में जो कॉस्ट फंक्शन है उसको हम लॉस फंक्शन भी बोलते हैं, लॉस फंक्शन भी बोलते हैं असल में, इसका नाम दूसरा नाम लॉस फंक्शन भी, इसको कॉस्ट फंक्शन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपका, मतलब आपने इमेज जो थी वो तो थी डॉग की, असल इमेज तो थी डॉग की, लेकिन उसने बताया कि ये तो कैट है यार, ठीक है। सो वो लॉस फंक्शन बताता है कि देखो यार इसने गलत बता दिया है, ठीक है। तो कुछ इस आधार पे काम करता है, इसकी डीप लर्निंग के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यार न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। न्यूरल नेटवर्क एक फंक्शन हो गया मान लीजिए आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ से आपने अलग अलग इनपुट दे रहे हो, ठीक है, इनपुट दे रहे हो उनके वेट के साथ में, वेट के साथ में, ठीक है। ये आपने अलग अलग इनपुट दिए, इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क काम करता है। ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन हो गया यहाँ पर, जो भी है यहाँ पर समेशन हो गया, और इसके साथ में ये वाला जो फंक्शन है वो एक्टिवेशन फंक्शन हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन के बाद में आपने आउटपुट जनरेट कर दिया। अब जब आउटपुट जनरेट किया तो आपने कॉस्ट फंक्शन की मदद से ये देख लिया कि ये जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो कितना रियल है या नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको फिर बाद में सही करेंगे। द लर्निंग हैपन्स ड्यूरिंग द बैक प्रोपगेशन वाइल ट्रेनिंग द न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल। दिस टर्म नोन एज ग्रेडियंट डिसेंट विच इज यूज टू ऑप्टिमाइज दी वेट एंड बायस्ड, जो बायसेस बेस्ड है ना कॉस्ट फंक्शन के ऊपर, उनको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। तो ये जो वेट्स हैं, ये जो वेट्स हैं इनको हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, और इनके साथ में बायसेस भी होते हैं। बायसेस लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है यार, ये गाइज मैं आपको जब न्यूरल नेटवर्क आएगा तब वहाँ पर अच्छे से अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो तो है बैक प्रोपगेशन का न्यूरल नेटवर्क के अंदर, मैं यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये है उसका वहाँ का टॉपिक, ठीक है। सो कॉस्ट फंक्शन जो है वो इवेल्युएट करता है जो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड आउटपुट। सो इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल के तहत, ठीक है, एक पाइथन एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके तहत इसको इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रुक जाए एक बार, मैं पाइथन के लिए बोल लेता हूँ अपना, नोटबुक हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैं डालता हूँ, ओके। सो मैं ले आता हूँ अपना कोड, इसको प्रिंट करवा यहाँ किया, इसको रन करवाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे मैं ले गया हूँ
और डेटा फ्लो, इसको रन करवाया। अच्छा तो ये अपना आउटपुट दे दिया, ठीक है, इसने ये आउटपुट दिया कुछ इस तरीके से। मैंने क्या किया, टॉर्च और टॉर्च डॉट एनएन जो है उसके अंदर से एनएन ले लिया उसको, और फिर मैटप्लॉटलिब को लिया और मैंने टॉर्च से एक मैनुअल सीड बना दिया, ठीक है। फिर उसके नंबर ऑफ सैंपल्स मैंने कर दिए थाउजेंड्स, और टॉर्च रैंडम के अंदर मैंने सैंपल जो नंबर ऑफ सैंपल्स है वो भेजे और मैंने टू भेजा। यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है फीचर्स को विद टू डायमेंशंस, एक्स और वाई के आधार पे बोल सकते हैं अपन। अब ट्रू वेट्स हो गए इसके टॉर्च डॉट टेंसर के अंदर, हमने यहाँ पर क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, रैंडम वेट्स एंड बायस फॉर लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। सो ट्रू बेस हो गया और ट्रू बायस हो गया, असल में ट्रू बायस भी फिट कर दिया और ट्रू वेट्स भी फिट कर दिए, ठीक है। अब हमने टारगेट जो वेरिएबल है उसके लिए मैंने क्या किया, एक्स उसको ओवरराइड करने की कोशिश की ट्रू वेट डॉट टी एंड ट्रू बेस को, ठीक है। फिर बाद में मैंने प्लॉट किया आपका ये कि इस इन सबको प्लॉट करवा दिया मैंने, तो प्लॉट करवाया था ये आया, ठीक है। अब हम इसको ट्राई करते हैं लीनियर मॉडल के साथ में, एक बार लीनियर मॉडल के साथ में ट्राई करके कोशिश करते हैं, ठीक है। लीनियर मॉडल के साथ में ट्राई करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। सेकंड, ठीक है। यहाँ पर वेट जो है पैरामीटर कंटेनिंग टेंसर, ये उसके रिक्वायर्स ग्रेड ट्रू है, और बायस पैरामीटर कंटेनिंग टेंसर ये भी ट्रू है, ठीक है। जब मैं इसको चला के देखूंगा दोनों ट्रू है, जब मैं इसको चला के देखूंगा तो हमारे पास में ये आ गया टेंसर, ये आ गया हमारे पास में टेंसर, और इसका ग्रेडियंट है वो स्लाइस बैकवर्ड और इसके बीच में स्टैंड कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर और भी चीजें हैं यार, मैं आपको देखो यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस वाले पार्ट को। यहाँ पर जो मैंने लीनियर मॉडल के साथ में गया हूँ तो ये लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर नोट कीजिए, द नंबर ऑफ वेट है, वेट वैल्यूज हैं विल बी इक्वल टू द इनपुट साइज ऑफ द मॉडल। ये जो नंबर ऑफ वेट वैल्यूज है ना, ये इक्वल है कि जो इनपुट साइज ऑफ द मॉडल उसके इक्वल है, ठीक है। एंड द इनपुट इनपुट साइज इन द डीप लर्निंग इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट फीचर्स दैट इज वी आर पुटिंग इनसाइड द मॉडल, ओके। इन आवर केस इनपुट फीचर्स आर टू, सो द इनपुट साइज विल ऑल्सो बी टू एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेट विल वैल्यू विल ऑल्सो बी टू। तो यहाँ पर मैंने दो दो चीज़ें दी हैं, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। इनपुट साइज मैंने दो ही दी है, ठीक है, ऊपर से मैंने लिया है और दो इनपुट दे दिए मैंने, ठीक है। और फिर बाद में जब मैंने इसको रन करवा के देखा है तो मेरे पास में ये आया है। फिर मैंने एट लास्ट जब प्रेडिक्शन देखा, जब प्रेडिक्शन वाला पार्ट आया तो मैंने इसको प्रेडिक्ट करवाया तो आउटपुट में मेरे पास में ये आ गया, ये प्रेडिक्शन पार्ट हो गया इसका। इस तरीके से काम करता है आईपी। मैंने जब इसका मॉडल एक्स और जब मैंने इसके पीछे के पांच मांगे, अगर देखो मैं और भी चीज़ें इसके साथ साथ में कर सकता हूँ यार, जब मैंने पांच तक मांगे, जीरो से लेकर चार तक मेरे पास में प्रिंट होकर आ गए, ठीक है। अब है कि कॉस्ट फंक्शन क्या है, असल में क्वेश्चन ये है कि आप ये सोच रहे हो यार भाई कॉस्ट फंक्शन क्या है, डिफाइन करो लॉस फंक्शन को या कॉस्ट फंक्शन को। कॉस्ट फंक्शन और लॉस फंक्शन इन दोनों को डिफाइन करो यार। इसको मैं जे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कॉस्ट फंक्शन क्या है, वन अपॉन एन समेशन ऑफ एक्चुअल जो आउटपुट है माइनस प्रेडिक्टेड जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है वो, ठीक है, का स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर। तो सारा जो एरर है उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं और उसका फिर अपन समेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना लॉस फंक्शन हो गया जे। हेयर वट वी आर डूइंग, हेयर वी आर कैलकुलेटिंग द मीन स्क्वायर एरर बाई टेकिंग द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड देन डिवाइडिंग इट बाई इट्स लेंथ, ओके। विच मीन ऑफ स्क्वायर एरर ओनली, सो लेट्स मेक फंक्शन फॉर दैट। यहाँ पर फंक्शन मैं इसको इसका फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर अब मेरा जो टेंसर आ गया वो आ गया 19.9126, ठीक है। मैंने इसके ऊपर इस पूरे के ऊपर मैंने वो लगा दिया, ये फंक्शन लगाया मैंने। मैंने कहा कि यार ये एरर निकालो आप। जो लॉस हुआ मेरा वो इतने का हो रहा है लॉस, ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग का।
So as we can see from the above right, now the mean squared error is this all the steps which are done till now are known as forward propagation. जितने भी हुए हैं अभी तक उनको अपन फॉरवर्ड प्रोपोगेशन बोल सकते हैं. नाउ आवर टास्क इज टू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ वेट डब्ल्यू एंड बायस बी विच कैन फिट अवर मॉडल व्हेन बाय गिविंग वेरी लेस और मिनिमम एरर एज पॉसिबल. अब हम वेट और जो बायस की वैल्यू कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ना ऊपर. देखो यहाँ पर अपना टास्क क्या है, ये जो आउटपुट आ रहा है आउटपुट एक वैल्यू लेके आया. यहाँ पर हमने देखा टेंसर की कुछ कुछ वैल्यूज आई, टेंसर मतलब मान लो कि ये वैल्यू आई वहां पर और जो एक्चुअल वैल्यू थी वो ये थी. ठीक है, मान लो एक मानने के लिए मैंने बताया. तो फिर बाद में अपन किस तरीके से वेट को और उसकी बायस वैल्यू को फिक्स करें, ऊपर नीचे करें कि हमारी जो वैल्यूज है वो कम से कम आओ, कम से कम आए. सो नाउ टू अपडेट द वेट एंड बायस वैल्यू एंड फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ वेट एंड बायस वी विल डू बैक प्रोपेगेशन. तो अब यहाँ से अभी तक तो क्या हो रहा था कि हम ऐसे चल रहे थे, ऐसे काम हो रहा था कि पहले वेट का समेशन हुआ और फिर बाद में उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया और फिर बाद में हमारे पास में आउटपुट जनरेट हो गया. लेकिन अब उसको सही करने की बारी है, तो अब हम पीछे की तरफ जाएंगे. पीछे की तरफ जाकर हम इसको जो वेट्स हैं इनको एडजस्ट करेंगे और बायसिंग को एडजस्ट करेंगे. हियर द ग्रेडियंट डिसेंट कम्स into the role to find the optimal value of weight and bias. तो अब जो ग्रेडियंट डिसेंट है अब वो पिक्चर में आएगा, अब असली ग्रेडियंट डिसेंट की कहानी स्टार्ट होगी. सो आई होप अभी तक आपको समझ में आया, नहीं आया तो यार लिख दो कि देख मैंने अभी अभी कुछ नहीं बताया यार, मैंने आपको दो चीजें बताई है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन क्या होता है, बैकवर्ड प्रोपगेशन क्या होता है, लॉस फंक्शन कैसे काम करता है. मैंने कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू भी आपको करके दिखाने की कोशिश की कि प्रोग्राम के थ्रू कैसे उसको करते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसने डेटा जनरेट किया है. देखो अब मैंने आउटपुट जनरेट कर लिया यहाँ से जो मेरा आउटपुट आ गया, और बाद में मैंने चेक कर लिया क्या आउटपुट के अंदर कितना एरर है. तो ये हमारा एरर आ गया कि देख लो यार टोटल मिलाकर इतना एरर आ रहा है, ये फॉरवर्ड से इतना एरर आ रहा है. ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया अपना एक मतलब रैंडम वैल्यूज ली, वैल्यूज लेकर मैंने उसको इनपुट में दिया, इनपुट देकर मैंने लीनियर रिग्रेशन लगाया उसके ऊपर, सिंपली लीनियर रिग्रेशन लगाया मैंने. लीनियर रिग्रेशन लगाकर जो एक्टिवेशन फंक्शन था वो मेरा वहां तक था. फिर उसके बाद मैंने आउटपुट जनरेट किया, आउटपुट जनरेट करके मैंने मीन स्क्वायर एरर से इसको कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन की मदद से मैंने ये देख लिया कि मेरा कितना एरर है. अब ग्रेडियंट डिसेंट की कहानी स्टार्ट होगी जब हम ग्रेड उसको सही करेंगे. किसको? जब हम इन सारी चीज़ों को सही करने की बात करेंगे, जब हम इसकी बात करेंगे कि भाई साहब वेट और बायस है इसको सही करने की बात कर रहे हैं, तब हमारा कौन आ रहा है, ग्रेडियंट डिसेंट पिक्चर आ रही है, इसकी पिक्चर स्टार्ट हुई. सो गाइज अब इसकी असली कहानी स्टार्ट हो गई है ये. सो ग्रेडियंट डिसेंट इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव दैट डिफाइंस द इफेक्ट ऑन आउटपुट ऑफ द फंक्शन विद अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन इन इनपुट. ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, एक डेरिवेटिव है. ठीक है, जो डिफाइन करता है इफेक्ट्स को, इफेक्ट होता है ना आउटपुट के ऊपर जो भी इफेक्ट है उनको डिफाइन करता है. तो एक इसको हम ग्रेडियंट डिसेंट को बोल देते हैं. रुको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ. डिसेंट है वो क्या है, एक सिर्फ एक ये है डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव का काम कर रहा है किसके ऊपर, जो कि डिफाइन करता है कि आउटपुट के अंदर जो इफेक्ट आ रहे हैं, जो फंक्शन का जो आउटपुट है ना, जो भी आउटपुट वो क्रिएट कर रहा था, तो इनपुट के अंदर हम ऐसे कौन कौन से चेंजेस करें जो कि आउटपुट के अंदर कुछ कुछ इफेक्ट आए. इनपुट के अंदर जो इनपुट के वेट्स हैं या बायस है उनके ऊपर हम थोड़े 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 चेंजेस करेंगे वहाँ पर. ठीक है, जिससे कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा. ठीक है, सो ग्रेडियंट डिसेंट इज अ वाइडली यूज्ड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम इन डीप लर्निंग दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग. जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो वाइडली यूज होने वाली ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है, वाइडली यूज हो रही है डीप लर्निंग के अंदर, जो कि जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, जो कॉस्ट फंक्शन है जो भी वैल्यू क्रिएट करता है उसको हम मिनिमम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इट वर्क्स बाय इटरेटिवली एडजस्टिंग द वेट्स और पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द कॉस्ट फंक्शन अंटिल द मिनिमम ऑफ द कॉस्ट फंक्शन इज रीच्ड. हम उसको धीरे 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 इटरेटिवली इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ना कि भाई साहब
उनके वेट्स को या पैरामीटर्स जो भी हैं उसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि यार हम नेगेटिव डायरेक्शन में ग्रेडियंट में जो नेगेटिव ग्रेडियंट है कॉस्ट फंक्शन का उसकी तरफ हम जाएं, उसकी तरफ हम जाकर जब तक जाएं जब तक कि हमें कॉस्ट फंक्शन का मिनिमम ना मिल जाए। ग्रेडियंट को हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं एक तरीके से, है ना, ग्रेडियंट और डेरिवेटिव एक ही बात है। तो यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं कॉस्ट फंक्शन के। मान लीजिए आपका कॉस्ट फंक्शन ये है, उसका नेगेटिव यहाँ है, उसका मिनिमम यहाँ है, और आप यहाँ ये कॉस्ट फंक्शन यहाँ बता रहे हो, तो हम धीरे 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 इस हिसाब से इधर जाएंगे कि भाई साहब अपन इस पॉइंट पर पहुंच जाए। ठीक है, सो हाउ द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम वर्क्स, ये एल्गोरिदम कैसे काम करती है, ये यार मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया था, वापिस बता रहा हूँ आज। फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन राइट अवर लॉस फंक्शन फॉर द सिंगल रो एज बिलो। हम किस तरीके से लिख लेंगे, वेट और बी, ये वेट और बायसिंग का कॉम्बिनेशन है, सो वन अपॉन एन और वाई पी प्रिडिक्टेड माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो मैं इसको समेशन समेशन लिख देता हूँ। ठीक है, सो ऑल जितनी पी मतलब जितनी प्रिडिक्टेड माइनस वाई, यार ये कॉस्ट फंक्शन हो गया अपना। ठीक है, सो उन सब का समेशन इन द अबव फंक्शन एक्स एंड वाई आर अवर इनपुट डेटा कॉन्स्टेंट टू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द वेट डब्ल्यू एंड बायस बी। वी पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू एंड बी। दिस इज ऑल्सो सेट दैट वी विल फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन डब्ल्यू एंड बी विद रेस्पेक्ट टू वेट एंड बायस टू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एंड बी। ठीक है, सो सेम चीज़ है वहाँ पर, थीटा वन एंड थीटा टू था, यहाँ पर यही चीज़ है यार, कुछ नया नहीं है, आपको वो सब घबराने की जरूरत नहीं। एक बार इस इक्वेशन को पूरी को डब्ल्यू से पार्शियली डिफरेंशिएट करो, सो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसको करोगे आप तो वो आएगा वन अपॉन एन, इसको एक बार हटा देता हूँ, समेशन का कोई मतलब भी नहीं, वो तो बाहर भी आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा टू, ये तो डिफरेंशिएट हो ही गया है, ये वाला पार्ट टू अपॉन एन। ठीक है, इस वाले पार्ट को तो डिफरेंशिएट हो गया अपना, और नीचे जब हम जाएंगे तो आगे जब हम जाएंगे तो वो आ जाएगा ये वाला पार्ट कि वाई पी माइनस वाई। ओके, अब एक चीज मैं लिख देता हूँ, प्रिडिक्टेड जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वाई पी क्या हो गया असल में, वो क्या है कि एक एक्स है, जितने भी एक्स है मल्टीप्लाइड बाय वेट, उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस पी। अब ये आप मैंने ट्रांसपोज किया, ये क्या किया है, ये आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है अगेन, तो इसके बारे में बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री, इसकी एक वैक्टर है इसका, सो इसका ट्रांसपोज कर लिया ने, ट्रांसपोज कर लिया तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डब्ल्यू वन बी प्लस एक्स डब्ल्यू टू बी। सो ये इस तरीके से सबके साथ है मल्टीप्लाई होगा, एक एक के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, उसका समेशन अपने पास में आता जाएगा, लास्ट में आपका बी तो है, तो ये एक्स डब्ल्यू वन प्लस एक्स डब्ल्यू टू प्लस, इस तरीके से सबके साथ में प्लस होता जाएगा और ये आता जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन के अंदर, एक इक्वेशन के फॉर्म में, तो हमें बताइए कि दो चीज़ों को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके उसका समेशन कैसे लिखते हैं। तो इस प्लस फॉर्म में, क्योंकि ट्रांसपोज फॉर्म में आ गया और इसका प्लस करके मल्टीप्लीकेशन है, मान लीजिए ये भी एक वैक्टर है और ये भी एक वैक्टर है, तो ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये तो पता ही है हमें, और फिर समेशन हो जाता है। सो इसको इरेज कर देता हूँ। और जो प्रेडिक्टिव है उसको अपन इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया, तो इसको यहाँ से रिप्लेस किया, टू अपॉन एन वाई पी माइनस वाई, और पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, सो ये है एक्स डब्ल्यू टी माइनस सॉरी प्लस प्लस बी माइनस वाई। ओके, ये हो गया आपका, सो अब हम इसको डिफरेंशिएट करें, सो अंदर लेके जाएं, टू एन वाई पी माइनस वाई
इसको अंदर से डिफरेंशिएट किया हमने। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, बार बार मैं ये नहीं करता हूँ। इसका जो डिफरेंशिएशन, इसके रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये डब्ल्यू है, कम्प्लीटली एक बड़ा डब्ल्यू है, ये तो हो जाएगा 1, ठीक है। ये वाला हो जाएगा 0, और ये वाला भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ ये एक्स, यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक्स। वेट वाला पार्ट पूरा 1 हो गया, आप ये समझ लो। तो ये पूरा 1 हो गया, ये प्लस 0 माइनस 0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसीलिए ये हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया 1/n yp -y, घबराओ मत, ये हो जाएगा 2x। घबराने की जरूरत नहीं, टू यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यार, जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये इसको मैं लिख देता हूँ इसके इक्वल, ठीक है, कि ये तो अपना वो है ही, मेन वाला जो पार्ट था, स्क्वायरिंग के बिना वाला पार्ट, ठीक है। जब मैंने इसको किया, वाई डैश भी आया अपने पास में, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में किया, तो ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब आगे चलें, तो जब हम इसको बी के रेस्पेक्ट में करेंगे, ऊपर वाले को जो इक्वेशन थी, जब अपन उसको बी के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो देखो यार, अब मैं बार बार लिख के बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, आपको मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो वहीं से मैंने सीधा रिजल्ट उठाया है। वाई पी माइनस वाई, देखो बी को छोड़कर सब क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, मतलब कांस्टेंट हो जाएंगे इसके लिए। तो अपने पास में बचेगा 2, सिर्फ 2 यहाँ पर, वो बी वाला पार्ट 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। वही इक्वेशन है, वो बी वाला पार्ट जो है वो 1 हो जाएगा, बाकी वैसी की वैसी है, ठीक है। सो हेयर वी हैव कंसिडर्ड द लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पर हमने कंसिडर किया लीनियर रिग्रेशन को, सो दैट हेयर द पैरामीटर्स आर वेट एंड बायस ओनली। हमारे पास में जो पैरामीटर्स हैं वो हैं वेट और बायस की फॉर्म में। पैरामीटर्स हमारे पास है किस फॉर्म में, वेट और बायस की फॉर्म में, क्योंकि हमने लीनियर रिग्रेशन एज ए मॉडल यूज कर रहे हैं, उसको कंसिडर कर रहे हैं। बट इन अ फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क मॉडल देयर कैन बी अ मल्टीपल लेयर्स एंड मल्टीपल पैरामीटर्स। लेकिन अगर हम फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क की बात करें, तो वहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल लेयर्स भी हो सकती हैं, मल्टीपल जो आपके पास में पैरामीटर्स है वो भी हो सकते हैं, बट द कॉन्सेप्ट विल बी सेम एवरीवेयर। एंड दी बिलो आई विल गिव यू सम मैथमेटिकल फॉर्मूला। सो व्हाट विल बी द मैथमेटिकल फॉर्मूला, द फॉर्मूला विल बी सेम, पैरामीटर्स लाइक वेट, वेट एंड बायस, दिस विल बी द पैरामीटर, इक्वल टू पैरामीटर, ओके, माइनस लर्निंग रेट एंड ग्रेडियंट ऑफ जे। सो ग्रेडियंट ऑफ जे, जे व्हाट इज जे, जे इज कॉस्ट फंक्शन, सो दैट इज फंक्शन ऑफ वेट एंड बी ओनली। सो दिस अल्फा रिप्रेजेंट्स लर्निंग फैक्टर, लर्निंग रेट, लर्निंग रेट, एंड दिस इज अवर लॉस फंक्शन, ओके। सो वेट एंड बायस, देयर कैन बी मल्टीपल वेट्स एंड बायस वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल फीचर इन द डेटा सेट। सो आवर केस में ये, चूंकि एक मान के चल रहे हैं कि एक वेट है और एक बायस है, तो वो इस तरीके से अपन बना लेते हैं इसको अपने केस में, सिर्फ एक तो ये हो गया, और बी के लिए हो गया बी माइनस, लेकिन ये हो सकता है मल्टीपल, तो ये याद रखना। इन द करंट प्रॉब्लम टू इनपुट फीचर, सो द वेट विल बी 2, ओके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिज्म फॉर द अबोव मॉडल, सो विल सी द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हाउ टू डू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो लेट्स सी वन बाय वन, आई विल राइट द, आई विल टेल यू हाउ टू राइट द स्टेप फॉर दैट, एंड देन वील यूज द पाइथन सो टू इम्प्लीमेंट इट। सो स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट ग्रेडियंट डिसेंट, फाइंड द ग्रेडियंट यूजिंग द लॉस, लॉस डॉट बैकवर्ड, बैकवर्ड। सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाएंगे लॉस डॉट बैकवर्ड, और उसकी मदद से हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। सो ग्रेडियंट ढूंढना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है,
सबसे पहले हम ग्रेडियंट ढूंढेंगे, ठीक है, सॉरी ग्रेडियंट, और गेट द पैरामीटर यूजिंग, हम पैरामीटर्स को ढूंढेंगे मॉडल डॉट लीनियर डॉट वेट की मदद से, और मॉडल डॉट लीनियर डॉट बायस की मदद से हम पैरामीटर्स ढूंढ लेंगे, ठीक है। सो मॉडल का जो लीनियर लीनियर वाला पार्ट है, मॉडल के अंदर हम लीनियर इक्वेशन यूज कर रहे हैं और लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर हम वेट ढूंढ रहे हैं। वहीं मॉडल के अंदर हम लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, रिग्रेशन के अंदर हम बायस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम पैरामीटर्स ढूंढ लिए, ग्रेडियंट डिसेंट ढूंढ लिया, पैरामीटर ढूंढ लिया। थर्ड में अपडेट द पैरामीटर यूजिंग द अबाउट डिफाइंड इक्वेशन, जो कि हमने ऊपर इक्वेशन की थी उसकी वजह से हमें पैरामीटर्स को अपडेट करना है। अगेन असाइन द मॉडल पैरामीटर टू अवर मॉडल, और फिर से वही काम अपने को बार बार करना है। लर्निंग रेट अपन लेके चल लेते हैं कि 0.001 है। लर्निंग रेट को देखो यार गाइस, कम क्यों रखते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं रखते हैं, वो सब मैं एक बार आपको फिर से बता दूंगा। वैसे तो मैंने प्रीवियसली बता दिया है आपको, तो एक यहाँ पर मैं आपको, मेरे पास में लिखा हुआ है, एक सेकंड, मैं आपको नोटपैड पे एक, क्वेश्चन लिख के बता दूँ। ठीक है, सो ये अपना हो गया यहाँ तक, ज़्यादा तो नहीं, ये पूरा तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक आपको बता देता हूँ कि ये वाला पार्ट, आगे का पार्ट तो अपना उसके अंदर आ जाता है। सो यहाँ तक अपना जो असाइन कर रहे हैं अपन इस जगह तक, है ना, तो इस जगह तक मैं बता देता हूँ, आगे मैं आपको ये वाला पार्ट बाद में बताऊँगा, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये अपनी बस एक सूडो कोड की तरह है, तो इसमें हम ग्रेडियंट को यूज़ कर रहे हैं, ग्रेडियंट को यूज़ करके हम लो, सबसे पहले स्टेप में ग्रेडियंट डिसेंट को, फिर लर्निंग रेट सेट कर दी, मॉडल के पैरामीटर्स डब्ल्यू और पी निकाल लिए, फिर बाद में अपनों ने उसके ऊपर लीनियर इक्वेशन लगा दी, और फिर अगेन अपन वही चीज़ उसके अंदर करते रहे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बताइए, रोल सेव कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। सो पाइथन प्रोग्राम ले लेते हैं और उसको करके देखते हैं यार, करके देखेंगे तो फील आएगा, ठीक है। इपोक लिए, नंबर ऑफ जो इपोक्स हैं वो 1000 है अपने पास में। इपोक क्या होता है, कंप्लीट लर्निंग साइकिल को अपन इपोक बोलते हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड, तो इस जो प्रोग्राम में नंबर ऑफ जो इपोक है हमने 1000 रख दिए, लर्निंग रेट वो रख दी 0.01, ठीक है। सो सब प्लॉट के लिए वेट्स एंड बायस बसेस लॉसेस को, तो फिगर और एक्सेस इसके अंदर ले लिए सब प्लॉट्स की मदद से, 1 और 2 और शेरी करके, ये इसके अंदर आ जाएंगे फिगर और एक्सेस, ठीक है। हर एक इपोक के अंदर, हर एक इपोक के लिए नंबर ऑफ जो इपोक्स है 0 से लेकर अपन 999 तक जाएंगे, तो उसके अंदर मैंने लगाया, सबसे पहले फॉरवर्ड पास किया अपनों ने वाई मॉडल एक्स, और फिर बाद में लॉस देख लिया उसका, फिर लॉस लेकर अपन बैक प्रोपगेट किया अपनों ने, पीछे की तरफ गए अपनों, ठीक है, पीछे की तरफ गए। उसकी लर्निंग रेट हमारी 0.001 है, ठीक है, उसको हमने रीसेट किया लर्निंग रेट को, 0 बहुत कम कर दिया लर्निंग रेट को। इसके पीछे का कारण है कि, या लर्निंग रेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, लर्निंग रेट है ना, मान लीजिए कि आपका ये मिनिमम है यहाँ पर, ये मिनिमम, थोड़ा सा अच्छे से मान लीजिए, ये यहाँ पर ये कॉस्ट फंक्शन है, ये उसका मिनिमम है, और ये यहाँ पर वो पॉइंट है, और अपनों को यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। सो अगर अपन जल्दी से आए, मतलब जल्दी जल्दी आए, तो अपन क्या करें, अगला पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर उससे अगला पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो ये पॉइंट अपन मिस कर जाएंगे, ठीक है, अगर जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो। और अगर धीरे धीरे आएंगे तो बहुत धीरे हो जाएगा, तो इसीलिए उसको है ना एक अच्छे मतलब मॉडरेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अपन न ज़्यादा धीरे हों ना ज़्यादा तेज हों, तो इसीलिए अपनों ने लर्निंग रेट को बहुत कम रखा है, ठीक है, कि अपनों को ज़्यादा वो नहीं करना है, फास्टली नहीं जाना है, ठीक है। सो डब्ल्यू इक्वल टू वो जो अपनों पता ही है, डब्ल्यू माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू, जो जे डब्ल्यू है, और वही ग्रेडियंट ऑफ मतलब जो भी फंक्शन है वो उसके बी के रेस्पेक्ट में उसका ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। सो असाइन कर दिया, ये वेट एंड बेस्ड पैरामीटर है वो लीनियर लेयर के अंदर, वो कर दिया हमने इसको असाइन,
तो किस प्रकार की आपने उन्होंने मॉडल डॉट लीनियर डॉट वेट, इसके अंदर हमने एन एन डॉट पैरामीटर्स डब्ल्यू डाला और इसी तरीके से एन एन डॉट पैरामीटर बी डाला, ठीक है, जो कि हमने टॉर्च से लिया था एन एन को, ठीक है। इफ इपॉक प्लस वन मॉड्यूलस 100, अगर वो जीरो है, अगर वो जीरो है मतलब हर एक 100 वाले के ऊपर, हर एक 100 वाले के ऊपर, जब हम इपॉक प्लस वन करके और हम देख रहे हैं कि अगला वाला 100 है, सो हमें हमने उसको प्लॉट करवा दिया कुछ इस प्रकार से, हम उसको प्लॉट करते जाएंगे, मतलब एक ग्राफ बनाकर प्लॉट करवा देंगे, ठीक है। सो हम रन करके देखते हैं क्या हुआ है। ये हमारा हर एक के लिए इपॉक आ रहा है, ये देखिए 100 वाले के लिए आ रहा है, 200 के लिए आ रहा है, ये हम इसको लिखते चले गए इस तरीके से, मैंने प्रिंट करवाता चला गया इसको, ठीक है। और ये मैंने पहले तो इसको प्रिंट करवाया और फिर बाद में इसको शो कर दिया मैंने, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये स्टार्टिंग ये था लॉस, ये वेट के लिए है, वेट के लिए कुछ इस तरीके से आया, और बायस ये बायसिंग के लिए, तो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, समझ में आया। ये वेट्स थे, ये बायस था, क्योंकि दो ही वेट थे हमारे पास में, एक बायसिंग लॉस फंक्शन ये है, और धीरे 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 हमारा लॉस भी कम होता गया। दो वेट्स हैं, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, ये मिनिमम पे आ गया। ये वेट भी धीरे 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 यहाँ पर कम होता जा रहा है, ठीक है। तो हर एक इपॉक में 100 इपॉक के बाद में वेट था इतना, इतना वेट वन इतना था, वेट टू इतना था, बाइसिंग इतनी थी और लॉस इतना हुआ, ठीक है। मतलब 200 इपॉक के ऊपर वेट इतना, फर्स्ट वेट इतना, सेकंड वेट इतना, बायस इतना, लॉस इतना। तो देखिए जब 900 पहुंचा तो लॉस 14 लॉस से 2 लॉस के ऊपर आ गया, ठीक है हमारा काम। अब देखिए लास्ट इपॉक के अंदर 2 पॉइंट ये, अब एक बार इसी को मैं फिर से कॉपी वो पेस्ट करना चाहूँगा, मैं इसको 1000 से बढ़ाकर 2000 कर देता हूँ, 2000 कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ इसको। देखता हूँ कि यार और कम होता है क्या। अब देखिए फिर से जब मैंने कम किया तो ये जो लॉस फंक्शन आया वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, और ये देखिए 2 2 2 2 2 2 यही होता जा रहा है, हमने वो अपडेट कर दिया, पीछे वाला डेटा अपडेट हो गया इसीलिए 2 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो देखिए ये हो रहा है हमारा 1800 1900, और ये अब यार ये इससे ज़्यादा तो कम नहीं होगा, कह रहा है यार इससे ज़्यादा तो क्या ही कम होगा, तो ये हो गया। लेकिन इसने बड़ा डिफरेंस जो है, इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस दिखा नहीं है हमारे पास में, 2.69 से 2.4913 तक ही गया है, इससे ज़्यादा ये हुआ नहीं है। आई होप ये आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, इसके अंदर हमने वेट को अपडेट किया, वेट और बायस को कुछ इस तरीके से अपडेट किया। देखिए यहाँ पर हर एक बार वेट और बायस की एक नई वैल्यू हमारे पास में आ रही है, ये कैसे आ रही है गाइस, ये हमारी उसी तरीके से आ रही है जो हमने डब्ल्यू की वैल्यूज ली थी, डब्ल्यू माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ग्रेडियंट, इस फॉर्मूले से हम वेट को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज इट, आई थिंक ये आपको समझ में आया। आगे मैं अगर इसके वेट को और इसके बायस को प्रिंट करवाऊंगा तो ये वेट आ गया, ये जो फाइनल वेट है, और ये जो बायस आ गया इसका, ये बायसिंग पॉइंट आ गया, जहाँ पर ये इसको मैं एब्सोल्यूट इसलिए किया है ना कि मैं दोनों को एब्सोल्यूट करके दिखाना चाह रहा हूँ कि यार ये वेट है और ये इसका बायस हो गया, इस वेट और इस बायस के ऊपर ये मिनिमम लॉस दे रहा है, ठीक है। इसको मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। आगे मैं इसका प्रेडिक्शन वैल्यू निकालूंगा, अब चूंकि हमारे पास में वेट भी बहुत ही वो है और एफिशिएंट वेट और एफिशिएंट बायस है, तो अब इसके प्रेडिक्शन देखता हूँ क्या प्रेडिक्शन है। तो अब ये इसकी प्रेडिक्शन जो है वो ये है, ये आउटपुट है उसके प्रेडिक्शन का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया अभी। अब अगला जो पॉइंट है वो वेनिशिंग एंड एक्सप्लोइडिंग ग्रेडियंट्स है, अगले जो पॉइंट्स है वो है वेनिसिंग वेनिशिंग एंड एक्सप्लोइडिंग ग्रेडियंट। सो वेनिसिंग एंड एक्सप्लोइडिंग ग्रेडियंट्स आर कॉमन प्रॉब्लम्स।
दैट कैन अकर ड्यूरिंग द कैप्चरिंग ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क। जब हम डीप न्यूरल नेटवर्क को मतलब वो ट्रेन कर रहे होते हैं ना, जिस दौरान हम उनको ट्रेन कर रहे होते हैं, उस दौरान ये प्रॉब्लम्स अकर होती हैं। दिस प्रॉब्लम कैन सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन द ट्रेनिंग प्रोसेस और इवन प्रिवेंट द नेटवर्क फ्रॉम लर्निंग ऑल टुगेदर। कई ये जो प्रॉब्लम है सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन कर देती है ट्रेनिंग प्रोसेस को, या फिर वो प्रिवेंट भी करती है कि नेटवर्क को लर्निंग से प्रिवेंट भी करती है यार। मतलब एक तरीके से उसको उस नेटवर्क को लर्न नहीं करने देती है एक साथ, ठीक है। सो वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम अकर्स व्हेन ग्रेडियंट बिकम्स टू स्मॉल ड्यूरिंग बैक प्रोपगेशन, और जो आपका एक्सप्लोइडिंग ग्रेडियंट है वो तब होता है जब आपका जो आपका ग्रेडियंट है वो लार्ज है बैक प्रोपगेशन के टाइम पे। सो यही वाली पॉइंट जो मैंने आपको समझाई ना, तो जब आपकी एक्सप्लोइडिंग ये वाली पॉइंट तो होगी वेरिएंट वाली, ये वाली तो होगी वेनिशिंग वाली, वेनिशिंग ग्रेडियंट, ठीक है। और ये वाली होगी एक्सप्लोइडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। सो द वेट्स ऑफ द नेटवर्क्स आर नॉट कंसिडरेबली चेंज एज अ रिजल्ट एंड नेटवर्क इज अनेबल टू डिस्कवर द अंडरलिंग पैटर्न इन डेटा। मैनी लेयर्ड डीप न्यूरल नेटवर्क आर स्पेशली प्रोन टू दिस इशू। द ग्रेडियंट वैल्यूज फॉल एक्सपोनेंशियली एज दे मूव बैकवर्ड थ्रू द लेयर्स, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू एफिशिएंट अपडेट द वेट्स इन द अर्लियर लेयर्स। तो देखो यार, एक लेयर के अंदर मान के चलिए अगर आपका 4 से 5 सेकंड लग जाता है उसको अपडेट करने के लिए, तो अगली लेयर के अंदर जब हम जाएंगे, अगले न्यूरल नेटवर्क के अंदर जाएंगे, तो यार कितना मतलब ये हैवीली टास्क है। एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर इतना टिपिकल हो रहा है, अगले न्यूरल नेटवर्क के अंदर कितना टिपिकल होगा, तो ये मतलब हर बार इतना मतलब स्लो डाउन कर देता है उसको। और एक्सप्लोइडिंग जो ग्रेडियंट प्रॉब्लम है ऑन द अदर हैंड अकर्स व्हेन द ग्रेडियंट बिकम्स टू लार्ज ड्यूरिंग बैक प्रोपगेशन। जब ग्रेडियंट है वो बहुत लार्ज हो जाता है, व्हेन दिस हैपन्स द वेट्स आर अपडेटेड बाय अ लार्ज अमाउंट विच कैन कॉज द नेटवर्क टू डाइवर्ज और ऑसिलेट, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कन्वर्ज टू अ गुड सॉल्यूशन। सो दिस इज आई थिंक यू अंडरस्टूड द टेक्निक्स, यू अंडरस्टूड वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू। अब आप ये मान लीजिए कि आपके पास में एक कटोरी है, एक ऐसे ऐसे करके एक बड़ा सा वो है डब्बा है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे कर्व टाइप वो है। अब यहाँ से आप बोल तेजी से डालोगे तो मूव करके इधर चली जाएगी, और अगर आप उसको धीरे धीरे डालोगे तो धीरे 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 उसको लर्निंग को स्लो डाउन कर देगी, तो बॉल की स्पीड स्लो डाउन हो जाए, बॉल धीरे से यहाँ पहुँचे फिर यहाँ पहुँचे फिर यहाँ पहुँचे, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा सॉरी। तो इसीलिए न उसको तेज फेंकना है न उसको धीरे फेंकना है, उसको मतलब एक मॉडरेट उसमें भेजें। सो टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज। सो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, वेनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोइडिंग ग्रेडियंट को यूज मतलब ओवरकम करने के लिए। एक तो है वेट्स रेगुलराइजेशन। सो वेट रेगुलराइजेशन ये रेलू वाले जो है ना एक्टिवेशन फंक्शंस को यूज कर रहे हैं अपन, रेलू वगैरह ये सब ये इसी के अंदर आते हैं। सो हम क्या करते हैं ना, वेट को रेगुलराइज करते हैं। द इनिशियल इनिशियलाइजेशन ऑफ वेट्स कैन बी एडजस्टेड टू इंश्योर दैट दे आर इन अप्रोप्रिएट रेंज। उनको हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि वो एक अप्रोप्रिएट रेंज में आ जाए यूजिंग अ डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस। बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, जैसे कि रेलू हो गया, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट कैन ऑल्सो हेल्प टू मिटिगेट दी वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ये सब सिग्मोइड फंक्शन हो गया और बहुत सारे फंक्शंस हैं यार, उन सब की मदद से हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फिर है ग्रेडियंट क्लिपिंग, इट इन्वॉल्व्स लिमिटिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ ग्रेडियंट है ड्यूरिंग बैक प्रोपगेशन, उनको हमने लिमिट कर दिया। दिस कैन प्रिवेंट द ग्रेडियंट्स फ्रॉम बिकमिंग टू लार्ज और टू स्मॉल एंड कैन हेल्प टू स्टेबलाइज द ट्रेनिंग प्रोसेस। सो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को लिमिट करने से हम कह देंगे कि भाई न तो हम इससे ज़्यादा तेज फेंक सकते हैं, न हम इससे ज़्यादा धीमा फेंक सकते हैं,
हमें फेंकना है तो इसी मतलब रेंज में फेंकना पड़ेगा, तो ग्रेडियंट क्लिपिंग मेथड में आ जाता है। ठीक है, एक तो हो गया वेट रेगुलराइजेशन, और दूसरा हो गया आपका ग्रेडियंट क्लिपिंग। इसके अंदर तो हम रेलू वगैरह, सिग्मॉइड फंक्शन वगैरह ये सब यूज कर सकते हैं। फिर अगला है बैच नॉर्मलाइजेशन। बैच नॉर्मलाइजेशन में क्या हो गया, इट कैन ऑल्सो हेल्प टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स बाय नॉर्मलाइजिंग द इनपुट टू ईच लेयर्स। हर एक लेयर के जो इनपुट है उनको हम यहाँ पर नॉर्मलाइज कर रहे हैं, विच कैन प्रिवेंट द एक्टिवेशन फंक्शन फ्रॉम सेचुरेटिंग। मतलब एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा ना, एक सेचुरेशन स्टेज में नहीं पहुंचेगा, एंड हेल्प टू रिड्यूस द वेनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम ऑल्सो। तो ये जो वेनिशिंग एंड ग्रेडियंट प्रॉब्लम है उसको भी हम हेल्प कर जाएंगे। सो आई थिंक इट इज यूजफुल। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट डिसेंट्स, एंड दिस कंक्लूड्स बैच ग्रेडियंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच एंड मोमेंटम बैच बेस्ड, एंड नेस्टॉर्फ, एंड देन एडार्ग्ड, आरएमएस प्रॉप, एडम, और बस इतने ही हैं यार, और भी हैं मतलब, लेकिन इन्हीं को मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं ग्रेडियंट डिसेंट के, सो अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।